तो गाइस आप देख पा रहे हैं, ये पीवीसी पाइप का सीट है और ये है पीवीसी पाइप। ठीक है, आज जो हम बनाने वाले हैं गाइस, एसी का प्रोपेलर होता है गोल सा, ठीक है, जो कि राउंड शेप में होता है। ठीक है, उसी शेप में जो है हम प्रोपेलर बनाने वाले हैं, उसी तरह कूलिंग फैन बनाएंगे एसी की तरह। ठीक है, तो इसके लिए सबसे मेन पार्ट होता है हमें जो है प्रोपेलर बनाना। तो चलिए मैं प्रोपेलर बना लेता हूँ पीवीसी पाइप का। इसको आप कटिंग करके, ठीक है, इसे पहले आप काट ले इस तरह साइज में एक, तो इसे काट ले एक। ठीक है, तो आपको किस तरह से, तो मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह से कटिंग कर लेना है। ठीक है, तो गाइस इस तरह से आपको पीवीसी पाइप का कटिंग पीस काट लेना है। ठीक है, इस तरह 8 है, और तो आप चाहोगे तो और भी आप कट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हम इसी से जो देखेंगे, नहीं होता है तो फिर और कट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं 8 पीस से कट कर लिए पीवीसी पाइप को। और ये सीट जो देख पा रहे हैं, इस सीट को मैं राउंड शेप में कट करूँगा एक। ठीक है, तो राउंड शेप करने के लिए ये रहा कंपास। ठीक है, तो इस सीट को आप देख पा रहे, छोटा सा ही चाहिए हमें, तो इस तरह से हम इसे राउंड शेप में कर लेंगे, काट लेंगे इस तरह से देख पा रहे हैं। ठीक है, दो गोल राउंड में, और यहाँ से मैं पेन का मार्क लगा दिए हैं, जैसे कि मेरा प्रोपेलर यहाँ से यहाँ जहाँ का जहाँ लगेगा, 8 जगह लग रहा है, मेरा 8 प्रोपेलर है। ठीक है, तो अभी तो इतना ही। तो चलिए इसे अब कट करते हैं के लिए। और ये पीवीसी पाइप जो मैंने काटा है, वो सिर्फ कैंची से ये कट जाएगा बहुत ही आसानी से। ठीक है, और ये गाइस मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सीट बना के मैं नहीं काटा हूँ, ऐसे ही जो है इसी तरह से पीवीसी पाइप को इस तरह कट कर लिया हूँ। ठीक है, ठीक है, आप देख पा रहे हैं, तभी मेरा ये थोड़ा सा राउंड शेप में है ना, थोड़ा सा कर्व। अब जो गाइस इसे भी हमें काट लेना है, ठीक है, कैंची से ही। तो गाइस इस तरह जो है, इस तरह से भी काट लेना है। ठीक है, तो चलिए काट लेते हैं। तो गाइस सब देख पा रहे हैं, मैंने इसे कट कर लिया है दोनों को। अब जो सीरीज पेपर से इसे हटाते हैं, अब सीरीज पेपर से इसको अच्छे से फिनिशिंग दे देता हूँ। ठीक है, तो गाइस मैंने इसे अच्छे से फिनिशिंग दे दिए हैं। अब जो है फाइनली आपको जो है इसमें अब सुपर ग्लू से चिपकाना है। मैं बता रहा हूँ किस तरह से, आप देख पा रहे हैं, जैसे कि मैंने पेन का मार्क लगा दिए हैं। ठीक है, उसी में कुछ इस तरह से जो है आपको इस तरह से एक एक करके चिपकाना है। ठीक है, इस तरह से, इस तरह से, फिर इस तरह से, इस तरह से थोड़ा सा डाउन करके, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से करके चिपका लेना है। ठीक है, थोड़ा डाउन करके याद रखना। तो चलिए मैं चिपका लेता हूँ। ठीक है, सुपर ग्लू से। ठीक है, कुछ इस तरह से। ऐसे ही सारे को चिपका लेना है।
तो इस तरह गाइस आप देख पा रहे हैं, इस तरह एक साइड मैंने ऐसे फिक्स कर लिए हैं। इसी तरह सेम इधर भी फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। उसी तरह सेम इस तरह पकड़ के चलिए फिक्स कर लेते हैं। देख पा रहे हैं कुछ इस तरह से फिक्स करना है, ये सब को भी, ये सब फिक्स नहीं किए हैं, तो चलिए इसे ही फटाफट कर लेते हैं। तो बहुत ही आसान है, इस तरह से सुपर ग्लू को डाल देंगे पहले, उसके बाद इस तरह से फिक्स कर देंगे। तो भाई सब देख पा रहे हैं कितना मस्त जो है प्रोपेलर को मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। जैसे कि एसी के अंदर जो रहता है प्रोपेलर, उसी तरह से मैंने इसे बनाया, और आप भी देख पाएँ कि कितना मस्त ये बन गया। थोड़ा सा टाइम लगा, थोड़ा सा मेहनत है, सबसे थोड़ा मेहनत इसी में है, बाकी और जो आप कूलिंग फ़ैन बना रहे हैं उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है, लेकिन गाइस इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, ठीक है। तो अब देख पा रहे इसी तरह जो है आपको भी प्रोपेलर बना लेना है पीवीसी पाइप का, ठीक है। बहुत ही मस्त इसमें आपका हवा देगा, ठीक है। और चलिए मैं अब जो है यहाँ पे आपको होल कर लेना है, ठीक है, दोनों साइड पे, ठीक है। एक आपका बैलेंस बना रहेगा और एक साइड आपका मोटर रहेगा, या फिर दोनों साइड आप मोटर लगा सकते हो, ठीक है। तो गाइस इस तरह से बहुत ही बेस्ट, अच्छा। तो गाइस ये वाला प्रोजेक्ट जो है अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा और दिखाऊंगा आपको, ठीक है। इसे ही बनाना सबसे ज़्यादा मुश्किल था, ठीक है, और ज़्यादा टाइम लगता है। तो आई होप गाइस ये आप सीख गए बनाना, और बहुत ही अच्छा लगा है ये वीडियो, आपको अभी कुछ नॉलेज मिला होगा, ठीक है, कुछ आइडिया मिला होगा, तो आप अपने हिसाब से जो है इसे बना सकते हो, ठीक है। तो आई होप गाइस ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में, इसी वीडियो को कूलिंग फैन बनाना है, कूलिंग एसी, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।